हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे जे डायनेस्टी के सीजन 2 के एपिसोड 6 को। वेल, हमारी वीडियो नॉवेल बेस्ड है एंड इसमें हमने जे डायनेस्टी के सीजन 1 के वीडियो क्लिप्स का यूज किया है। एंड अगर आपको परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड 96 को देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से डायरेक्ट जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था क्विंग्यू सेक्ट के वेस्टर्न रीजन वाले वास्ट लैंड में हेवन और अर्थ के एनर्जी मिलकर एक ट्रेजर फॉर्म होने वाला था। उस ट्रेजर में क्विंग्यू सेक्ट वालों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि डेमन सेक्ट भी इनके पीछे है तो क्विंग्यू सेक्ट ने डिसाइड किया कि वो डेमन सेक्ट को इस ट्रेजर को हासिल करने से रोकेंगे। बिकॉज अगर गलती से भी ये ट्रेजर डेमन सेक्ट के हाथ में चला जाता तो बहुत बड़ी आफत आ जाती। उसके बाद हमें कुई हाउ को दिखाया गया था जो लिंग्यू से बात कर रहा था। लिंग्यू जाओ पैन के बचपन का दोस्त है एंड कुई हाउ की शादी अभी के लिए गोल्ड फिश से हो चुकी है। अब हमें सॉन्ग ट्रेन को दिखाया गया था जो बिग बैम्बू वैली से कुई हाउ के पास आया था एंड उसने कहा था हमारे मास्टर की वाइफ यानी गोल्ड फिश की मॉम गोल्ड फिश से मिलना चाहती है, लेकिन कुई हाउ ने बता दिया था कि गोल्ड फिश उस दिन सुबह ही बिग बैम्बू वैली के लिए रवाना हो गई थी। अब आगे हमें बिग बैम्बू वैली को दिखाया जाता है। अब हमें जाओ फैन के दोनों पेट को दिखाया जाता है जिनमें से एक बंदर था तो दूसरा एक डॉग था। इन दोनों को हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये दोनों पिछले 10 सालों में बड़े हो गए थे एंड अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिख रहे थे। ये दोनों साथ में खेल ही रहे थे तभी इन दोनों को कुछ फील होता है। अचानक से जाओ फैन का मंकी जाओ फैन के डॉग की पीठ पर बैठ जाता है एंड जाओ फैन का डॉग तेजी से बैम्बू फॉरेस्ट की तरफ भागने लगता है। काफ़ी टाइम तक भागने के बाद ये दोनों उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बचपन में जाओ फैन बैम्बू काटने आया करता था एंड यहीं पर उसकी इन दोनों से पहली मुलाकात हुई थी। ये दोनों आसपास देखने लगते हैं तभी किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। ये लोग जब उस डायरेक्शन में देखते हैं तो वहाँ पर जाओ फैन खड़ा था। जाओ फैन को देखकर दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। मंकी सीधा जाओ फैन के कंधे पर जाकर बैठ जाता है। जाओ फैन उसके सिर को सहलाने लगता है, वहीं डॉग जाओ फैन के पैरों से अपना सर रगड़ने लगता है। जाओ फैन फिर उसे भी सहलाने लगता है एंड कहता है पिछले 10 सालों में तुम ही दोनों ऐसे हो जो मुझे पहले की तरह ट्रीट करते हो, बाकी सब ने तो अब मुझे गद्दार और बुरा मान लिया है। जाओ फैन अपने दोनों साथियों या कहो अपने दोनों पेट से मिलकर बहुत खुश था। तभी वहाँ पर वाइल्ड डॉग टॉइस्ट आता है एंड जाओ फैन से कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, ये जगह क्विंग्यू सेक्ट की है, अगर गलती से भी तुम्हें और मुझे यहाँ पर किसी ने देख लिया तो हम दोनों को वो लोग जरूर मार देंगे, जल्दी से चुपचाप यहाँ से चलो। क्विंग्यू सेक्ट वाले जाओ फैन को भूल चुके हैं एंड वो बस एक ही इंसान को जानते हैं एंड वो है घोस्टली जो तुम हो एंड वो लोग घोस्टली से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। वाइल्ड डॉग टॉइस्ट को जाओ फैन से बुरी तरह से बात करता देख वाइल्ड डॉग टॉइस्ट पर जाओ फैन के डॉग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो वाइल्ड डॉग टॉइस्ट की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। बड़े से डॉग को अपनी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता देख वाइल्ड डॉग टॉइस्ट अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है, उसके पास उसका मैजिकल वेपन था। लेकिन तभी जाओ फैन कहता है अगर तुमने इस डॉग के अटैक को रोकने के लिए अपने मैजिकल वेपन का यूज किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और चारों तरफ फेंक दूंगा। ये बात सुनकर वाइल्ड डॉग टॉइस्ट गुस्से में कहता है तो तुम आखिर करना क्या चाहते हो, क्या मैं इसके अटैक को झेलूं? तो जाओ फैन कहता है हाँ। इससे पहले कि वाइल्ड डॉग टॉइस्ट जाओ फैन से कुछ कह पाता जाओ फैन का डॉग आकर वाइल्ड डॉग टॉइस्ट के पैर को पकड़ लेता है, उसे काट लेता है। वाइल्ड डॉग टॉइस्ट जोर से चिल्लाने लगता है एंड अपने पैर को छुड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगता है, बट जाओ फैन का डॉग उसके पैर को छोड़ ही नहीं रहा था इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। जाओ फैन का डॉग भी उसके पीछे चला जाता है। जाओ फैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइनली कुछ टाइम बाद जाओ फैन का डॉग लौटता है एंड जाओ फैन के साइड में आकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर वाइल्ड डॉग टॉइस्ट भी लौटता है, लेकिन अभी के लिए उसने ज़मीन पर पैर नहीं रखे थे, वो एक बैम्बू पर खड़ा हुआ था एंड डर से जाओ फैन के डॉग को देख रहा था। जाओ फैन के डॉग ने उसकी बहुत बुरी हालत कर दी थी, उसकी पूरी बॉडी पर कई सारे स्क्रैचेज आ गए थे। वो गुस्से में कहता है जाओ फैन अब चलो यहाँ से, क्या तुम पागल हो, बस इन दोनों मैजिकल बीस्ट की वजह से तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। ये बात सुनकर डॉग को फिर से गुस्सा आ जाता है एंड वो वाइल्ड डॉग ट्विस्ट की तरफ बढ़ने लगता है, तो वाइल्ड डॉग ट्विस्ट चुप हो जाता है।
ज़ाओ फैन अपने दोनों मैजिकल बीस्ट को देखता है एंड कहता है, मैं बहुत जल्दी तुम दोनों से मिलने आऊँगा। इसके बाद वो फिर से इन दोनों के सिर सहलाता है एंड वहाँ से जाने लगता है। वाइल्ड डॉग टोइस्ट भी उसके पीछे पीछे वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो ज़ाओ फैन के डॉग को सबक जरूर सिखाएगा। कुछ ही टाइम बाद ज़ाओ फैन और वाइल्ड डॉग टोइस्ट बिग बैम्बू वैली से बाहर आ जाते हैं। इधर ज़ाओ फैन का डॉग और ज़ाओ फैन का मंकी बिग बैम्बू वैली पीक पर पहुंच जाता है, जहां पर ज़ाओ फैन के क्विंग्यू सेक्ट वाले मास्टर का घर था एंड वहीं पर उनके सभी डिसाइपल रहा करते थे। अभी के लिए वहां पर गोल्ड फिश भी आई हुई थी, जो इन दोनों को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन गोल्ड फिश को देखकर इन दोनों को बिल्कुल खुशी नहीं होती है। गोल्ड फिश ने पहले ही कुई हाउस से शादी कर ली थी, ये बात इन दोनों को भी पता थी। भले ही कुछ बोल नहीं सकते थे, बट बुरा इन्हें भी लगता था। गोल्ड फिश इन दोनों से पूछती है, तुम दोनों बैम्बू फॉरेस्ट में कहाँ चले गए थे? तो ये दोनों कुछ नहीं कहते हैं, चुपचाप वहाँ पर बैठे रहते हैं। इधर हमें उस जगह से हजारों माइल्स दूर एक माउंटेन को दिखाया जाता है, जिसका नाम है मैजिस्टिक फॉक्स माउंटेन। इस माउंटेन पर इविल फैक्शन घोस्ट किंग सेक्ट का हेडक्वार्टर है। 10 साल पहले क्विंग्यू सेक्ट के सातवीं फाइट के बाद पूरे इविल फैक्शन में गद्दारियां शुरू हो गई थी। घोस्ट किंग सेक्ट ने वुडू क्लैन को तो हरा दिया था, लेकिन घोस्ट किंग सेक्ट में ही कई सारे लोगों ने गद्दारी करना शुरू कर दिया था एंड वो घोस्ट किंग को मारकर घोस्ट किंग सेक्ट के लीडर बनना चाहते थे एंड उन्होंने इसका ट्राई भी किया, लेकिन तब बीच में ज़ाओ फैन आ गया एंड उसने एक एक कर ऐसे सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। हालांकि इन 10 सालों में ऐसे सभी लोग मारे नहीं गए थे, बट इनकी संख्या अब ना के बराबर हो गई थी। पूरे घोस्ट किंग सेक्ट में अभी के लिए काफ़ी हद तक शांति आ चुकी थी। घोस्ट किंग ज़ाओ फैन की बहुत ज़्यादा केयर करते थे। इन 10 सालों में उन्होंने अपने बेटे की तरह उसे पाला था। घोस्ट किंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे घोस्ट किंग सेक्ट का वाइस लीडर बना दिया था, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि घोस्ट किंग के बाद घोस्ट किंग सेक्ट का लीडर वही बनेगा। अब हमें एक रूम को दिखाया जाता है जिसके अंदर घोस्ट किंग मौजूद थे। घोस्ट किंग के साथ साथ वहाँ पर कुछ और लोग मौजूद थे। तभी वहाँ पर ज़ाओ फैन भी आ जाता है, जिसे अब सभी लोग घोस्ट ली के नाम से जानते हैं। सभी लोग ज़ाओ फैन को देखकर ग्रीट करते हैं। इधर हमें घोस्ट किंग सेक्ट के एक और रूम को दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक आइस प्लेटफॉर्म मौजूद था। उस आइस प्लेटफॉर्म पर बियाओ की बॉडी रखी हुई थी। उसी रूम में बियाओ की बुआ यानी घोस्ट किंग की बहन मौजूद थी, जो बियाओ को ही देख रही थी। बियाओ की बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आए थे, वो पहले जितनी ही ब्यूटीफुल थी एंड उसके हाथों में अभी के लिए उसकी गोल्डन बेल्स रखी हुई थी। उन गोल्डन बेल में उसकी सोल, उसकी स्पिरिट जा चुकी थी। बियाओ की बुआ उसे ही देख रही थी। तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है एंड उस रूम के अंदर कोई एंटर करता है। बियाओ की बुआ जानती थी इस रूम में बस 4 ही लोग एंटर कर सकते थे एंड इससे पहले कि वो पीछे मुड़कर देख पाती कि यहाँ पर किसने एंट्री की है, तभी उसके साइड में एक ह्यूमन फिगर आकर खड़ी हो जाती है, जो उसकी तरफ देखती तक नहीं है। वो ह्यूमन फिगर बस बियाओ के फेस की तरफ देखने लगती है एंड बियाओ को देखकर उसके फेस पर उदासी आ जाती है। घोस्ट किंग की बहन अच्छी तरह से जानती थी कि जब भी ज़ाओ फैन यहाँ पर आता था तब वो किसी को नहीं देखता था, सभी को इग्नोर कर देता था, इसलिए वो चुपचाप यहाँ से यानी इस रूम से जाने का डिसाइड करती है। वो रूम से जाने लगती है एंड रूम से बाहर निकलकर वो रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। वो आगे बढ़ी रही थी, तभी रूम के कॉरिडोर में उसका सामना घोस्ट किंग से हो जाता है। घोस्ट किंग उसे देखकर कहते हैं, ज़ाओ फैन अभी के लिए बियाओ के साथ है? तो उसकी बहन कहती है, हाँ अभी के लिए वो बियाओ के साथ है और बियाओ से बातें कर रहा है। इस बात का मतलब वो अच्छी तरह से जानते थे, वो ही जानते थे कि बियाओ अभी बात नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये था कि ज़ाओ फैन अभी के लिए खुद ही से बातें कर रहा होगा एंड खुद ही की तकलीफ़ों का खुद ही आंसर ढूंढ रहा होगा। घोस्ट ली की बहन कहती है, जब भी ज़ाओ फैन यहाँ पर आता है तब वो पहले से ज़्यादा उदास होता है। तो घोस्ट किंग कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अब तुम उसे ज़ाओ फैन मत कहो, हमने उसे पहले ही एक नया नाम दे दिया है, उसका नाम अब घोस्ट ली है, तुम उसे घोस्ट ली कहो। उसकी बहन हाँ में सिर हिला देती है, जिसके बाद
वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है। उसकी बहन पीछे मुड़ती है एंड कहती है, उस ब्लैक शेमन ट्राइब का क्या हुआ, आप उसको डिस्ट्रॉय करने वाले थे ना। तो गोस्ट किंग कहता है, ब्लैक शेमन ट्राइब इस पूरे कॉन्टिनेंट में पिछले कई हजारों सालों से है। उस ट्राइब के लोग चिपना अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा खोजने के बावजूद हमें उनमें से किसी के सबूत नहीं मिले हैं। जैसे ही मिलेंगे हम एक्शन ले लेंगे। गोस्ट किंग की बात सुनकर वो हाँ में सिर ला देती है एंड वहाँ से जाने लगती है। तभी गोस्ट किंग अचानक से कहते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम गोस्टली यानी ज़ाओफेन से दूर रहो। गोस्ट किंग की बहन पीछे मुड़ती है एंड शौक के साथ कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं। गोस्ट किंग कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करती हो कि तुम बियाओ को नहीं बचा पाई, लेकिन तुम इस वजह से उस रूम में बार बार यानी बियाओ के पास बार बार नहीं जाती हो। मैंने ऑब्जर्व किया है कि तुम उस रूम में तभी जाती हो जब वहाँ पर ज़ाओफेन आया होता है। ये बात सुनकर अचानक से ही गोस्ट किंग की बहन अपने मर्डरस ऑरा को एक्टिवेट कर लेती है एंड गुस्से में कहती है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं ज़ाओफेन से प्यार करती हूँ। तो गोस्ट किंग कहते हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि गोस्ट किंग तुम्हारा भाई भले ही है बट ज़ाओफेन अभी के लिए बस बियाओ से प्यार करता है। अगर तुम गलती से भी उनके बीच में आई तो ज़ाओफेन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा एंड वो शायद हमारे गोस्ट किंग सेक्ट का दुश्मन भी बन जाए, इसलिए अपने लिए नहीं तो कम से कम गोस्ट किंग सेक्ट के लिए ज़ाओफेन से दूर रहना। ये बात सुनकर गुस्से में उसकी बहन कहती है, आप कुछ भी बकवास कर रहे हैं। ये कहकर वो गुस्से में अपने भाई को यानी गोस्ट किंग को देखती है एंड वहाँ से जाते हुए कहती है, मुझे पता नहीं आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ये कहकर गोस्ट किंग की बहन क्विंगलोंग वहाँ से चली जाती है। क्विंगलोंग के वहाँ से जाने के बाद गोस्ट किंग उस रूम के अंदर देखने लगते हैं जहाँ पर ज़ाओफेन बियाओ के पास मौजूद था। ज़ाओफेन बियाओ के साइड में बैठ जाता है एंड कहता है, बियाओ मैं लौट आया, अब तो अपनी आंखें खोल दो। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइस आपको क्या लगता है, अब स्टोरी में आगे क्या होगा कमेंट कर ज़रूर बताना। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।